हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक बहुत टेस्टी और हेल्दी और यूनिक सी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने मल्टीग्रेन आटा लिया है। इसमें मैंने हींग ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है और अजवाइन ऐड किया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक स्मूथ तैयार कर लेंगे, जैसे हम पूरी पराठा और कचौड़ी समोसे के लिए तैयार करते हैं। इसे अच्छे से चिकना होने तक गूँथ लेंगे। और देखिए, हमारा डो तैयार होने लगा है और हम इसे अच्छे से चिकना होने तक गूंथते रहेंगे। और हमारा आटा काफ़ी चिकना हो गया है। देखिए, हमारा आटा गूंथ के तैयार है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। और अब हम चलते हैं स्टफिंग की तरफ। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने बॉयल 4-5 पोटैटो लिए हैं। इसमें ग्रीन गार्लिक यूज़ किया है, ग्रीन चिली ऐड किया है, एक ऑनियन यूज़ किया है और कोरिएंडर ऐड किया है और पनीर ऐड किया है। घर का पनीर है छेना, आप चाहे तो मार्केट का पनीर भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें अजवाइन ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, हींग ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने रेड पास्ता सॉस यूज़ किया है। आप चाहें तो रेड चिली, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और कोई भी स्पाइस यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, चाट मसाला और कोई मसाला जो भी आप पसंद करते हो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सब चीज़ों को मिला लेंगे अच्छे से और एक अच्छी सी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। और ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और अपने अब आटे को चेक करते हैं। हमारा आटा काफ़ी अच्छे से सेट हो गया होगा और ये हमारी स्टफिंग भी तैयार हो गई है। अब चलते हैं अपने आटे की तरफ। हमारा आटा सेट हो गया होगा और देखिए, हमारा आटा काफ़ी सेट हो गया है, चिकना हो गया। हम इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे से बॉल साइज़ की लोइयां तोड़ लेंगे। जैसे हम पूरी के लिए आटा लेते हैं, हम उस साइज़ की बॉल्स बनाएंगे और सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और देखिए, यहाँ पर मैंने सारी बॉल्स तोड़ ली हैं। अब हम इनको लोई बना लेंगे और हाथों से स्मूथ कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम चलते हैं बेलनी की तरफ। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसमें आटा लगाएंगे और इसको पूरी के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा बेल लेंगे। रोटी की तरह हम इसको बेल लेंगे और हम इसको थोड़ा पतला ही बेलेंगे। देखिए, हमारी रोटी बिल्कुल तैयार है। और ये हमारी रोटी, हमें इतनी बड़ी रोटी बेलनी है। आप चाहे तो इसे थोड़ी छोटी भी बेल सकते हैं, थोड़ी और बड़ी भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। अब इसमें बीच से कट लगाएंगे और साइड से राउंड कट लगाएंगे। हम इसमें पूरे पे कट नहीं लगाएंगे, हम इसमें साइड से कट लगाएंगे, ऐसे गोल गोल घुमाते हुए मूंग के साइज़ का कट लगाएंगे। मूंग के जैसे जो होता है उस तरह से हम इसमें कट लगाएंगे। फिर 4-5 कट लगाएंगे। इससे बहुत यूनिक सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा और ये हमारा बहुत ही यूनिक सा नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये नाश्ता कभी पहले ट्राई किया है, ये डिज़ाइन से आपने कोई नाश्ता तैयार किया है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और देखिए, ये कट सारे लग गए हैं। अब इसमें स्टफिंग फिल करेंगे जो हमने बनाया था। अब इसमें हम चारों तरफ पानी लगाएंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए और ये ऑयल में जाके खुले नहीं। आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर किसी भगोने या कढ़ाई में गैस पे भी बेक कर सकते हैं। अब हम इसको राउंड राउंड घुमाते हुए फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और इस तरह से हम इसे घुमाते जाएंगे और एक बहुत यूनिक सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा, देखने में बहुत सुंदर लगेगा। और देखिए, हमारा एक यूनिक सा नाश्ता बनके तैयार है। अब हम इसके एजेस को बंद कर देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे और हम इसको फिल अच्छे से, इसकी फिलिंग को अच्छे से बंद कर देंगे ताकि ये ऑल में जाके खुले नहीं। हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे इस तरह से प्रेस करते हुए। अब हम चलते हैं फ्राई करने की तरफ। हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, ज़्यादा गर्म ऑयल में इसको फ्राई नहीं करेंगे वरना ये कच्चे रह जाएंगे। और हम इस तरह से सारे के सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेते हैं। और अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। अब हम सारे नाश्ते को ऑयल में ऐड करेंगे और हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे वरना ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
आप इसे कंटिन्यू चलाते हुए उलट पलट कर सेक लेंगे जब तक कि इसका कलर सुनहरा नहीं हो जाता है। और इसे अच्छे से उलट पलट कर सेकते रहेंगे जब तक इस पर बहुत एक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। हम इसको कंटिन्यू फ्राई करते रहेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई करेंगे। और देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है और ये काफ़ी अच्छे से सिकने लगे हैं। हम इसको उलटते पलटते रहेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से सिके और इस पर एक बढ़िया सा कलर आए। और देखिए हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है और इस पर कितना प्यारा कलर आ गया है। इसको सुनहरा होने तक फ्राई करते रहेंगे, अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे। देखिए इस पर कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। और ये हमारा नाश्ता फ्राई हो गया है। अब हम सारे को अच्छे से तेल से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह करते हुए हम तेल से बाहर निकालेंगे ताकि सारा ऑयल कढ़ाई में ही रह जाए। और हम इसको सारे को नाश्ते को बाहर निकाल लेंगे। और ये हमारा एक यूनिक सा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। और ये बहुत क्रिस्पी और बहुत क्रंची बना था। आप चाहें तो इसे चटनी से, सॉस से या रायते से किसी से भी खा सकते हैं। देखिए कितना क्रंची और क्रिस्पी है ये। मैंने इसको ना रायते के साथ सर्व किया, ये बहुत टेस्टी लगता है रायते के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, एंजॉय, खाओ पियो ऐश करो।